अच्छा मेरे कोई सच्ची बात है, कोई मैं कोई बहुत बड़ी चिड़िया या उकाब नहीं रखता, मेरे मामूली से सोर्सेज होते हैं, लेकिन वो होते भी बेचारे कोई बहुत बड़ी पोजीशंस पर नहीं बैठे हुए, लेकिन वो बड़ी राहदारियों में घूमते हैं, वो बड़े लोगों के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो वो जो मुझे खबर देते हैं वो ऑनेस्टी से देते हैं, उनका कोई एजेंडा नहीं होता। जो बड़े लोग होते हैं ना, वकास, इनका एजेंडा भी होता है, वो मुझे या आपको जब खबर देंगे ना तो उसके पीछे उनका एजेंडा भी होगा, और उनकी ख्वाहिशात मेरी भी होती हैं खबर, उसमें। उनकी ख्वाहिशात भी होती है कि वो खबर चलेगी, वकास को खबर देंगे, टारगेट असद होगा, ठीक है, असद नॉकआउट होगा तो उन्होंने एक कदम आगे जाना होगा, तो उन लोगों के तो बहुत से एजेंडे होते हैं। इसलिए मैं वैसे भी आपको पता है मामूली सहाफी हूँ, कारकुन, मेरे उन बड़े लोगों तक एक्सेस भी नहीं होती, तो मैं तो बस अपनी ही तरह के लोगों में घूमता फिरता रहता हूँ। तो अब वो बात ये है कि जो खान साहब का आपको बताया था वो रावलपिंडी आएंगे, वो रावलपिंडी ही आ रहे हैं, लेकिन अब आपको इसमें भी खबर दे देता हूँ कि खान साहब रावलपिंडी में GHQ नहीं जाएंगे, ठीक अच्छा है, और वो बस आपको इतना हिंट दे देता हूँ कि वो मरी रोड पर होंगे और फैजाबाद से भी थोड़ा पीछे ही होंगे, ठीक है। उधर ही मेन रोड पे उनका स्टेज बनेगा, वहीं पर वो जलसा करेंगे, और जलसा करेंगे ये सारा ब्लफ है कि वहां पे अगली लाइन का ऐलान करूंगा। खान साहब ना एक मामले में उनको क्रेडिट देना चाहिए, वो जिस किस्म का उनका फॉलोअर है वो उसको इंटैक्ट रखने के लिए वो हर स्पीच में ये जरूर कहते हैं कि कल बड़ा अहम ऐलान करूंगा, अगला लाइन फला दिन दूंगा। अब वो हमें तो, हम तो इतना उनको सुन सुन के हमें तो पता होता है कि क्या होगा, ठीक है, लेकिन उनका जो फॉलोअर होता है वो चार्ज जाता है, खान साहब कल कुछ बम फाड़ेंगे, ओहो 26 को अब कुछ, जिसे कहते हैं ना, तख्त उछाले जाएंगे, ठीक है, तो वो कुछ भी नहीं ऐसा होगा, वो 26 को आएंगे, तकरीर करेंगे, वही इलेक्शन का मुतालबा करेंगे, फलान करेंगे, और गालिब इमकान है तब तक नए आर्मी चीफ के नाम का ऐलान हो चुका होगा, वो उनको मुखातिब भी करेंगे कि आप देखिए ये मुल्क कहाँ पे पहुंच गया, तो आप सोचिए ये वो, मतलब आप कह लें कि तंबी के अंदाज में उनकी मिन्नत भी करेंगे कि आप कुछ कर लें, तो ये सब कुछ होगा। और 26 तारीख की कोई, सच्ची बात है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बल्कि अच्छा इसकी सिग्निफिकेंस एक ही है के जो वो आर्मी चीफ की तैनाती के अमल पर इन्फ्लुएंस की कोशिश कर रहे थे, वो सारी कोशिशें नाकाम हो जाने के बाद अब लॉन्ग मार्च का कोई जवाब नहीं रहा था, लेकिन फेस सेविंग तो उनको चाहिए थी कि मैं आया इस इंडिया इस्लामाबाद, तो उन्होंने लॉन्ग मार्च को टेक्निकली किल कर दिया है, और वो डेट भी ऐसी दी है कि जो आर्मी चीफ की तैनाती का अमल मुकम्मल हो चुका हो, ताकि जो उनको बता दिया गया कि आप इस खेल के ना खिलाड़ी हैं ना आप कुछ करेंगे, आपका अच्छा इस्तेमाल जितना होना था वो हो गया, तो अब आप बस, तो इसलिए वो अमल तब तक मुकम्मल हो चुका होगा, तो लॉन्ग मार्च का जो एक प्राइमरी टारगेट था वो तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है उनका, तो बस 26 को वो, लेकिन अपने क्राउड को वो एक, जिसे कहते हैं ना, फेस सेविंग के लिए वो जरूर दिखाएंगे कि देखो मैं आया इस्लामाबाद, और ये वो हम आए पिंडी और हमने बात की, और हम, जिसे कहते हैं ना, डटा हुआ है कप्तान, अभी भी पीछे नहीं हटा, और वगैरह वगैरह ये वो करेंगे। अच्छा, इसका मतलब तो ये है कि ठीक है, खान साहब आपका जो तजिया कह रहा है कि खान साहब जो है वो लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, एक जलसा करेंगे, और वो जो सिग्निफिकेंस थी उनकी या जो मकसद था उनका लॉन्ग मार्च का, वो अब उनको भी रियलाइज हो गया कि अब वो मकसद मेरा पूरा नहीं हुआ, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से अपने वोटर को उसी बात पे फोकस रखने पे मजबूर तो कर रहे हैं ना कि हाँ, ये तैनाती का मामला भी है और मैंने पिंडी का नाम भी ले लिया है और मैंने 26 नवंबर का नाम भी इसलिए लिया है कि अहम तैनाती जो है वो 29 नवंबर को होने जा रही है। तो उनका जो एक आम पाकिस्तानी है, वोटर है और सपोर्टर है, तो उसको इतनी टेक्निकलिटीज का तो नहीं पता, लेकिन वो उनको मैसेज यही देना चाह रहे हैं कि मेरा मकसद इसी अहम तैनाती से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी दुरुस्त है ये ऑब्जर्वेशन, यही सारा मैसेज है उनका, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनका आम जो वोटर सपोर्टर है वो तो इतनी टेक्निकलिटीज नहीं जानता, और यही खान साहब को एज है, वो इसी चीज को एक्सप्लॉइट करते हैं कि एक दिन वो कहेंगे कि जो वकास है ये सबसे बड़ी इवन है,
तो आप देखेंगे उसी शाम को आपका नाम का सोशल मीडिया पे ट्रेंड बन जाएगा, गालियों वाला। अगली सुबह अगर वो उठ के कहेंगे कि मैं बता रहा हूं अब जो रियासत मदीना हमने बनानी है ना, उसका अलम मैं वकास के हाथ में दे रहा हूं और यही बनाएगा। हाँ आप देखेंगे अगले दिन वही जो उनके फॉलोअर होंगे वो कास का एक प्रेज वाला बना देंगे ट्रेंड, और वो उनसे फॉलोअर से पूछे भाई कल तो कास सबसे बड़ी ईवल था, आज ये रास्ते मदीना कैसे बन गया। वो कहेंगे नहीं कल जो खान साहब ने कहा था ना, कल तब तो वकास गलत जगह पे खड़ा हुआ था, तो खान साहब ने उसको टारगेट किया ना, तो आज वकास इंसान बन गया, तो खान साहब उसको देखो अलम भी पकड़ा रहे हैं। ये इमरान की स्ट्रेटजी है जी, वो ले आता है बंदे को ठीक रास्ते पर, ये उनका फॉलोअर है सारा। तो वो मतलब उससे आप यही उम्मीद करें। बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताएं, अब जो खान साहब ने बात की है कि मैं 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंच के अगला लायामल दूंगा, तो अगला लायामल अगर आप कह रहे हैं कि मरी रोड पे जो फैजाबाद है उससे पहले पहले वो एक जलसा कर लेते हैं, तो मैक्सिमम उनका अगला लायामल क्या हो सकता है कि वो फैजाबाद क्रॉस करेंगे, परेड ग्राउंड या H9 जो है वो ग्राउंड में आएंगे और वहां पे भी तकरीर करके चल देंगे? नहीं मेरी जो मालूमात हैं उनके मुताबिक वहीं पे जलसा खत्म हो जाएगा। अच्छा खान साहब इस्लामाबाद नहीं आएंगे, और अगला लायमल वो कुछ मजीद जलसों का ऐलान कर देंगे कि हम अब शहर शहर ये हकीकी आजादी की तहरीक लेके जाएंगे, हमने रेफरेंडम दिखा दिया है, ये है, हमने जीटी रोड से नून लीग का सफाया कर दिया, हमने ये कर दिया, ये चोर फलां ये, और वो इस तरह की बातें करके और कुछ जलसों का ऐलान कर देंगे। वो इसी किस्म का वो उनका होगा। कोई कोई ऐसा, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, कोई ऐसा लायामल नहीं होगा कि जो आप कहें कि शायद हुकूमत के लिए थ्रेट बन सकता है, या जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर दबाव डालने का बायस बन सकता है। हाँ ये आपकी बात ठीक है, और शायद वो दबाव डालने का बायस तो ना बने, लेकिन ये ऐन मुमकिन है कि वो जो अगला लाए अमल हो उसमें उस वक्त तक कोई नाम भी सिपा सलार का सामने आ गया हो, तो खान साहब की वो बिल्कुल तकरीर एक किस्म की तबलीग की सूरत इख्तियार कर ले नए सिपा सलार के लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो उनको मैसेज देंगे कि देखें ये चोर हैं, आपके कंधों पर भारी जिम्मेदारी आ रही है, ये मुल्क वरना डूब जाएगा, दिवालिया की तरफ जा रहा है, और आप हैं जो ये कर सकते हैं, चौकीदार खुद को न्यूट्रल नहीं रख सकता, फलान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस किस्म की वो यकीन उनके लिए तकरीर करेंगे। और देखें बात यह है कि इमरान खान साहब ने ये पिछले अप्रैल के माह से लेके आज के दिन तक जो किया है, अभी तो खैर पिछले एक हफ्ते तक वो हर चीज से सॉरी सॉरी करके पीछे हट रहे हैं, लेकिन उन्होंने फौज के अगले आर्मी चीफ को जो आएंगे उनको ये दिखा दिया है कि उनकी कैपेसिटी क्या है, कि वो उनके उनको भी जनरल बाजवा बना सकते हैं अगर उन्होंने वो सो कॉल्ड न्यूट्रलिटी खत्म ना की तो। और लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये इतना आसान नहीं है। जनरल बाजवा एक आउटगोइंग आर्मी चीफ थे, जो अगले आर्मी चीफ होंगे वो 3 साल के लिए आएंगे, वो 6 माह भी उनका टेन्योर होगा। तो बिल्कुल ऐसे में जो अभी खान साहब सॉरी सॉरी करके पीछे हटे भी हैं, इसके पीछे भी जो वजह है वो ये है कि फौज के इदारे की तरफ से ये खान साहब को कन्वे कर दिया गया है सदर आरिफ अलवी के जरिए कि हमने आउटगोइंग आर्मी चीफ के साथ तो सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अगर आप हमारे इनकमिंग चीफ को मुतनाज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी तैनाती से पहले से ही, तो ये इदारा नहीं टॉलरेट करेगा। और खान साहब ने ये मैसेज बहुत अच्छी तरह रिसीव कर लिया है, इसीलिए वो भारतीय से वो कह रहे हैं जो भी आ जाए मुझे क्या, ये वो मेरा मसला तैनात करने वाले से, जो तैनात होने वाले उनसे मेरा मसला नहीं है।